स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में रेलवे स्टेशन रोड स्थित प्रेम चुनरिया में राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान के सफल समापन और डॉक्टर राजीव कुमार के क्षेत्रीय सहसंयोजक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मनोनीत होने पर उनके अभिनंदन हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अभियान में सहयोग करने वाले गणमान्य व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया। जनवरी से प्रारंभ इस चीन विरोधी अभियान में हस्ताक्षर अभियान, रैली और अनेक जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान का सफल समापन 29 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित महारैली से हुआ, जिसमें 1.5 लाख लोगों ने भाग लिया। क्षमताओं को देखकर संगठन ने आपको क्षेत्रीय सहसंयोजक मेरठ प्रांत, उत्तराखंड प्रांत और तीसरा भी लगता है, यही दो प्रांत लगते हैं आपके, संपूर्ण उत्तर प्रदेश। तो आपके साल भर के कार्यक्रम और आपकी क्रियाशीलता, उनके परिणामों के आधार पर आपको ये दायित्व मिला है। मेरी तरफ से, विश्व परिषद की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और लगता है शीघ्र अति शीघ्र आप और ऊंचाइयों को छुएंगे। मंच पर माननीय गांधी जी, जितेंद्र जी, मैं सही नाम ले रहा हूँ ना, जितेंद्र जी यहाँ विराजमान महानगर के भाइयों और बहनों, स्वदेशी जागरण मंच का साल भर से कार्यक्रम चल रहा है, निरंतरता उसमें बनी रही। मुरादाबाद से भी डॉक्टर राजीव कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। मनोज व्यास ने डॉक्टर राजीव कुमार को क्षेत्रीय सहसंयोजक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मनोनीत होने पर बधाई दी और अपने संबोधन में कहा कि अगर स्वदेशी कंपनियां अपने उत्पादों पर स्वदेशी लिखें तो लोगों को स्वदेशी अपनाने में आसानी होगी। आर्य समाज के ज्ञानेंद्र गांधी ने डॉक्टर राजीव कुमार का अभिनंदन करते हुए कहा कि स्वदेशी अपनाना राष्ट्र के प्रति दायित्व है। आयोजन में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो मैं कपिल नारंग, महानगर संयोजक, आप सभी का स्वदेशी जागरण मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं मंच पर सर्वप्रथम मनोज व्यास जी से निवेदन करूँगा मंच पर आए अपने स्थान ग्रहण करें। मनोज जी, आइए मनोज जी। इस अवसर पर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जितेंद्र आर्य, खादी ग्रामोद्योग के अनिल चौधरी, डॉक्टर महेंद्र गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर राजीव कुमार का अभिनंदन किया गया। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार और मैं इधर स्वदेशी जागरण मंच का अभी क्षेत्र का सह संयोजक नियुक्त हुआ हूँ। ये क्षेत्र अपना पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ऐसे दो राज्य मिलाकर अपना क्षेत्र है, उसके सह संयोजक के दायित्व का मैं निर्वाह करता हूँ। सर, क्या कार्यक्रम किया गया है आज? स्वदेशी जागरण मंच की ओर से अभी जो राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान जो पूरे वर्ष भर हमारा चला था, आज उस अभियान का समापन का ये कार्यक्रम आज प्रेम चुनरिया में आयोजित किया गया है। आपको मालूम हो कि अभी 29 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर एक बहुत विशाल रैली, महारैली का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 1.5 लाख से ऊपर स्वदेशी समर्थकों ने भाग लिया। हमारा ये अभियान जनवरी माह से चल रहा था और विशेषतः चीन के विरोध में हमारा ये अभियान था। पूरे देश के अंदर ये अभियान चला, बड़ा सफल अभियान हमारा ये चला। अपने मुरादाबाद ज़िले के अंदर भी बहुत ही ज़ोरदार तरीके से इस अभियान को चलाया गया और बहुत सारी संस्थाओं ने इसमें हमें सहयोग करा। जो स्वदेशी को सहयोग करने वाली संस्थाएँ हैं, आज उन सब के प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्र हुए हैं और स्वदेशी जागरण मंच की ओर से उन सब प्रतिनिधियों का, उन सभी संस्थाओं का धन्यवाद अदा किया गया। और बहुत ही बढ़िया अभियान यहाँ पर मुरादाबाद में चला है और हम आशा करते हैं कि आगे भी ये जो चीन विरोधी हमारा अभियान है ये निरंतर चलता रहेगा और इसी तरह सभी संस्थाओं का सहयोग हमें मिलता रहेगा।